Hello friends, so today we will discuss about the female reproductive system. Now what is this female reproductive system? Female reproductive system is a system of specialized organs which are needed for sexual act in a female. So let's start. The female germ cells or eggs. हमारे female germ cells जो होते हैं या फिर जिन्हें हम eggs भी कहते हैं are made in the ovaries. ये ovaries में form होते हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा pair of ovary present है. ये हमारी ओवरीज प्रेजेंट है. यहाँ पर जो हमारे एक्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. एक्स का फॉर्मेशन यहाँ ओवरीज में होता है. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स. ये कुछ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ये जो हमारी ओवरीज हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एक्स. जब एक बच्ची पैदा होती है तब ओवरीज में ऑलरेडी कई सारे हजारों इमेच्योर एक्स जो होते हैं वो होते हैं. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को रीच करने पर, यानी जब बच्ची ग्रो होती है और अपनी टीन एज में आती है, जब प्यूबर्टी पर रीच करती है, तो सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग. इनमें से जो कुछ एक्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, यानी वो पहले से ही इमेच्योर एक्स जो होते हैं वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं. और प्यूबर्टी पे रीच करने पर या प्यूबर्टी पे पहुंचने पर ये जो एक्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. हर मंथ, हर महीने एक एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज, किसी भी एक ओवरी के द्वारा. This egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. ये जो egg होता है इसको carry किया जाता है ovary से womb तक through a thin oviduct or fallopian tube. यहाँ पर अगर हम image में देखें तो ये हमारी ovary है, जहाँ से हमारे जो egg होते हैं यहाँ पर हमारे thousands of eggs, immature eggs present होते हैं जब बच्ची का जन्म होता है. फिर puberty में ये सारे जो eggs होते हैं वो mature होने लगते हैं, और ये जो हमारे एक्स होते हैं जो मैच्योर होने लगते हैं वो बेसिकली कैरी करे जाते हैं इस फेलोपियन ट्यूब के द्वारा. ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के द्वारा कैरी किए जाते हैं वोम्ब तक. अब हम आगे पढ़ेंगे. द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूटेरिस. ये जो दो ओविडक्ट होते हैं या फेलोपियन ट्यूब होती है, ये बेसिकली यूनाइट होती है एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम यूटेरिस कहते हैं. यूटेरिस जो है वो ओपन होता है इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स के थ्रू वेजिना में ओपन होता है. द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होते हैं वो एंटर करते हैं वेजिनल पैसेज में, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द पेनिस, विच इज अ बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन. दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट. ये जो स्पर्म्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर, और पहुंचते हैं ओविडक्ट तक. वेयर दे मे इनकाउंटर द एग, द फर्टिलाइज्ड एग, द जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरिस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग. ये हमारे जो स्पर्म्स होते हैं जो कि एंटर करते हैं थ्रू पेनिस वेजिनल पैसेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ये ट्रेवल करते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर, और पहुंचते हैं ओविडक्ट तक, जहां पर हो सकता है ये किसी एग को इनकाउंटर करते हैं. अब एग को जब इनकाउंटर करते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, द जायगोट गेट्स फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जायगोट भी कह सकते हैं, ये इम्प्लांटेड हो जाते हैं इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरिस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और डिवाइड होने लगते हैं. वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट मदर बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. हमने पहले सेक्शंस में देखा है कि मदर की बॉडी को डिजाइन किया जाता है टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की जो बॉडी है उसके डेवलपमेंट के लिए. हेंस द यूटेरिस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. इसीलिए जो ये यूटेरिस होता है ये प्रिपेयर करता है अपने आप को हर महीने रिसीव करने के लिए और नर्चर करने के लिए ग्रोइंग एम्ब्रियो को. द लाइनिंग थिकेंस एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ये जो लाइनिंग होती है यूटेरिस की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, और इसको रिचली सप्लाइड किया जाता है ब्लड के द्वारा टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा एक बेसिकली टिश्यू होता है जिसके द्वारा बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा, जिसे हम प्लासेंटा के नाम से जानते हैं. ये एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसके द्वारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल. ये बेसिकली एक डिस्क होती है जो एम्बेडेड होती है यूटेरिन वॉल में. इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. इसमें कंटेन होते हैं विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. ऑन अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो. ये प्रोवाइड करता है एक लार्ज सर्फेस ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मां से एम्ब्रियो तक पास हो सके. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जेनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस. ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ये जेनरेट करता है वेस्ट सब्सटेंसेस को भी, विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा. और इस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, इस वेस्ट को ट्रांसफर करके मदर के ब्लड में. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months. ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चे का माँ की शरीर में, इसके लिए अप्रॉक्स 9 महीनों की जरूरत होती है, जिसे हम बेसिकली जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं.
द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूटेरिस। चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द इमेज। ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी ओवरीज है। इन ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स कंटेन होते हैं जब एक बच्ची का जन्म होता है। पर ये एग्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ये जो एग्स होते हैं इनमें से कुछ एग्स मैच्योर होने लगते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओविडक्ट है और फेलोपियन ट्यूब हैं जिनके द्वारा ये एग्स कैरी किए जाते हैं। बेसिकली ये ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब यूनाइट करते हैं इस एरिया में। इस एरिया को हम यूटेरिस कहते हैं। देन हमारा सर्विक्स है और फिर है हमारा वेजिना। हमारे यूटेरिस और वेजिना को सर्विक्स जो है वो कनेक्ट करता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर किया जाता है वेजिना में बाय द पेनिस। ये हमारा पेनिस है जो कि बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गेन है। तो इस पेनिस के द्वारा हमारे वेजिना में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है और फिर ये स्पर्म जो है वो वेजिना के थ्रू मूव करता है और यहाँ पर पहुंचकर हमारा जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। यानी हमारा एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और जब इन दोनों का फ्यूजन, ये जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ अ फीमेल गैमेट विच इज बेसिकली एग एंड मेल गैमेट विच इज स्पर्म, जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का या फिर स्पर्म और एग का, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसको हम जाइगोट कहते हैं। यानी जब दोनों हमारा स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो जाते हैं तब हमें एक फर्टिलाइज्ड एग मिलता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे हमारे जो बेबी होता है वो डेवलप होता है। बेबी जो है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक टिश्यू के द्वारा मिलता है जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब ये तो वो केस हो गया जब हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, यानी जब स्पर्म एंटर करता है और हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन इन केस क्या हो अगर देर इज नो स्पर्म, यानी कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो कोई स्पर्म भी नहीं होगा, तो इन दैट केस उस एग के साथ क्या होता है, वो एग फिर फर्टिलाइज भी नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइज होने के लिए जरूरी है कि स्पर्म एंटर करे हमारे वेजिना में, राइट। अगर वेजिना में स्पर्म एंटर नहीं करता है तो हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज्ड भी नहीं होगा। अब इन दैट केस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, इट लिव्स फॉर अबाउट वन डे, वो रहता है ऑलमोस्ट एक दिन के लिए। सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, क्योंकि जो ओवरी होती है वो रिलीज करती है हर महीने एक एग को। द यूटेरिस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। हमने अभी पढ़ा था कि क्योंकि ओवरी जो होती है वो हर महीने एग को रिलीज करती है तो यूटेरिस भी खुद को प्रिपेयर करता है हर महीने उस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, कि इन केस अगर हमारा एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो उसके लिए यूटेरिस अपने आप को प्रिपेयर करता है, राइट। हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर हम यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था कि मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हिंस द यूटेरिस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो यानी कि जो हमारा यूटेरिस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है हर महीने एम्ब्रियो को ग्रो रिसीव करने के लिए और नर्चर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दस इट लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, क्योंकि यूटेरिस अपने आप को प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, इसकी रिक्वायरमेंट होती है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए ताकि एम्ब्रियो फर्दर डेवलप हो सके। If fertilization had taken place, यदि fertilization take place ले चुका है तो, यानी अगर fertilization हो चुका है तो फिर ये जरूरी होता है कि जो uterus की lining है वो thick हो जाए और spongy हो जाए। Now, however, this lining is not needed any longer, क्योंकि अब हमारा egg तो जो है वो fertilized हुआ नहीं तो इस lining की जरूरत नहीं होती, right? This lining is not needed any longer. So, the lining slowly breaks, फिर जो lining होती है वो slowly टूट जाती है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस, और जो ये लाइनिंग होती है ये वेजिना से बाहर आती है खून और म्यूकस के रूप में, ब्लड और म्यूकस के रूप में। म्यूकस बेसिकली एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, ये साइकिल जो है ये रफली एवरी मंथ प्लेस लेती है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहकर भी बुलाते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ये यूजुअली रहती है, ये जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है ये यूजुअली 2 से 8 दिनों तक चलता है। तो
तो यानी यहाँ से हमें ये समझ में आया कि पीरियड्स का कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस का कारण क्या होता है। हर मंथ हमारी ओवरी जो होती है वो एग तो रिलीज करती है, लेकिन डेफिनेट है कि हर महीने उसको स्पर्म नहीं मिलता फर्टिलाइज्ड होने के लिए, राइट। तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो लाइनिंग फॉर्म होती है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, वो उसकी जरूरत नहीं रह जाती, तो वो लाइनिंग स्लोली टूट जाती है और वेजिना से बाहर आती है एज ए ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस के रूप में। इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो जो न्यूली वेड वुमेन होती है, अगर बाई चांस उनका पीरियड मिस हो जाता है तो वो चेक करती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पीरियड मिस हो जाने का मतलब है कि मे बी जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है एंड नाउ द वुमेन इज प्रेग्नेंट। इस इमेज में हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो किया गया है। ये हमारा ओव्यूम है और ये बेसिकली स्पर्म्स है, एंड देन यहाँ पर हमें जाइगोट की पिक्चर शो करी गई है। जाइगोट जब हमारे न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज हो चुके हैं, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, ये हमारी जाइगोट की इमेज है, जब हमारा ओव्यूम और स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एम्ब्रियो की इमेज दिखाई गई है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसी को हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी बेसिकली हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को दिखाया गया है। ये यूटेरिस की वॉल, ये यूटेरिस वॉल है और ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फीटस को शो किया गया है। फीटस क्या होता है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं और उन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। यहाँ पर यूटेरिस में फीटस की इमेज को शो किया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मिथ्स। अब हम कुछ भ्रमों के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिकली हमारे मन में भ्रम होते हैं। पहला, अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स एट अ बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो लड़कों को देखे मेंस्ट्रुएशन के दौरान। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि एक लड़की कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अगर वो लड़कों को देखे मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो दूसरा, अ मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। माँ जो होती है वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगी या लड़की, ये कम्प्लीटली फादर पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की। सेकेंड, थर्ड, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हमने अभी देखा कि मेंस्ट्रुएशन इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, तो लड़की कुछ भी कर सकती है, राइट, कोई भी काम कर सकती है, किचन में काम कर सकती है, वो बाहर जा सकती है, ऑफिस जा सकती है, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। चौथा एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम किस करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इतना पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि किस करने से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता।